हाय गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजन दास स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जब मैंने शिशु मंदिर पे वीडियो बनाना शुरू किया था तो मेरे कई मित्र, कई स्टूडेंट यही सवाल कर रहे थे कि आप शिशु मंदिर पे वीडियो क्यों बना रहे हैं, उसके बुक्स पे वीडियो बना रहे हैं। आप जहां पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में, आप वहाँ का वीडियो छोड़ के, वहाँ के बुक्स के बारे में छोड़ के आप शिशु मंदिर का स्पेशली बना रहे हैं, क्या कारण है? तो इसके बारे में मैं उस वक्त कोई जवाब नहीं दे सका क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजन थे। उस रीजन में मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं। जैसे कि मेरे जैसे कई टीचर हैं जो कि शिशु मंदिर के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और शिशु मंदिर का स्टूडेंट मतलब वहां पे शिशु मंदिर में ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, जिसके कारण मुझे भी ज़्यादातर शिशु मंदिर के बच्चे पढ़ाने के लिए मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस प्रकार से मुझे ज़्यादा स्टूडेंट शिशु मंदिर के मिलते हैं, तो जितने भी और दूसरे टीचर हैं उसको भी शिशु मंदिर के ज़्यादा स्टूडेंट मिलते होंगे। एक रीज़न ये हो गया। उसके बाद बच्चों को मदद मिलेगा, ये रीज़न हो गया। इसके अलावा कई बार मैं खुद उसके बुक से कुछ क्वेश्चन आंसर कुछ इस तरह का भूल जाया करता हूँ, तो अगर वीडियो बना हुआ रहेगा तो उससे मुझे भी मदद मिलेगा। इस तरह के कई सारे कारण हैं जिसके वजह से मैं इस पर फोकस करके शिशु मंदिर का वीडियो बना रहा हूँ। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो आइए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूं और वहां पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं शिशु मंदिर से संबंधित, जिससे कि मुझे ज्यादा बतलाने की आवश्यकता ना पड़े और आप ज्यादा समझ सके। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं। आइए मैं आप लोगों को कुछ चैप्टर दिखलाता हूँ जो शिशु मंदिर के बुक्स हैं, उसमें शिशु मंदिर के बुक्स में चलते हैं। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे एसडी कार्ड मैंने रखा है और बुक्स का मैंने पीडीएफ फाइल बना लिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं क्लास वन। आइए इसमें हम लोग चेक करते हैं, क्लास वन का हिंदी बुक चेक करते हैं। एक्चुअली इंग्लिश बुक में कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए दिया हुआ है। आप इसको एक नज़र देख सकते हैं, जैसे कि लेसन वन हो गया, इस तरह से छोटे बच्चों के लिए दिया हुआ है जो कि बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, इस तरह का दिया हुआ है। तो हम लोग इसको बैक चले जाते हैं और हम लोग हिंदी बुक में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए, ये है एक प्रार्थना दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर देखते हैं हम लोग, अपने देश के बारे में बताया गया है, अपना देश। और इसके बाद ये देखिए, बालक भरत के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से आप लोग को मैं डायरेक्ट यहाँ जो कंटेंट दिया हुआ रहता है उसको दिखाता हूँ, इसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह के चैप्टर दिए हुए हैं। ये देखिए, बालक भरत हो गया, बालक पाणिनि हो गया, गाय के बारे में दिया हुआ है, और शिवाजी के बचपन के बारे में दिया हुआ है, प्रताप के बारे में दिया हुआ है, महाराणा प्रताप हो सकता है, और शेर खरगोश का, तेनालीराम का, सही पढ़ाई में महाभारत का एक छोटी सी कहानी दिया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे देश से जुड़ी हुई कहानी, हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई कहानियाँ दिया हुआ है। आइए मैं आप लोगों को कुछ और बुक्स दिखाता हूँ, क्लास टू का ले लेते हैं, क्लास टू का हिंदी। ये देखिए, सबसे पहले धरती माता, अपने देश से संबंधित जो पोयम है उसको दिया हुआ है। कंटेंट में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, अपनी भाषा सब माँ है, श्रवण कुमार, गौतम बुद्ध, हमारे देवता, बाग लगाएं एक पोयम है, और अभिमन्यु, बोपदेव। इस तरह के जितने भी यहाँ लगभग दिए हुए हैं, ज़्यादातर इसमें हमारे देश से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। इसके अलावा आपको और दूसरा क्लास का मैं बुक दिखाता हूँ, आप थ्री क्लास में जाइए, थ्री क्लास के हिंदी बुक में ले लेते हैं। ये देखिए, श्री कृष्ण का दिया हुआ है फर्स्ट चैप्टर जो है, और सबको प्रणाम है, परीक्षा, वर्णों के बोल, झरना। देखिए, सेवन नंबर में बालक आरुणी, हिमालय, शहीद की चिता। इस तरह के जितने भी आप चैप्टर देख सकते हैं जो कि हमारे देश से जुड़ी हुई है, इसके अलावा हर चीज़ में आपको मिलेगा, हिंदी में तो मिलेगा ही, इंग्लिश में भी मिलेगा। आप इंग्लिश को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग इंग्लिश पे जाते हैं। इंग्लिश पे देखिए, इसमें जो है लगभग वैसा ही कहानी मिलेगा, सिडी डाई मेक के प्रॉमिस, टिट फॉर टेट, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू फ्रेंड, दशरथ मांझी जो ये बहुत फेमस है, और यह एक पोएम है, डॉग लव्स केक, हेयर एंड द टॉटवाइज, ये कछुआ और खरगोश की कहानी, स्वामी विवेकानंद, ट्रू फ्रेंडशिप में श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में दिया हुआ है। इस तरह से इसमें भी आपको लगभग लगभग वही चीज़ मिलेगा।
मतलब हर चैप्टर यहाँ हमारे देश से ही जुड़ा हुआ है, जो हमें हमारे देश के कल्चर की शिक्षा देता है। इसके अलावा किसी भी विद्यालय में मैं नहीं देखता हूँ कि वहाँ पे महाभारत या रामायण की बुक चलती है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये क्लास 7 का एक बुक है, जो महाभारत का बुक है, उसका PDF मैंने बनाया था। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है कम्प्लीटली महाभारत के बारे में दिया हुआ है, और इसका कंटेंट यहाँ महाभारत के वंश परिचय दिया हुआ है कि किस तरह से महाभारत पांडव और कौरव किस फैमिली से जुड़े हुए थे, किस तरह से वे जुड़े हुए थे, इस तरह से दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं महाभारत के बारे में, देख सकते हैं भीष्म पितामह जब प्रतिज्ञा किए थे, भीष्म प्रतिज्ञा इस तरह से दिया हुआ है, ये डबल हो गया है इसमें। उसके बाद भीम के बारे में दिया हुआ है, भीम को मारने की योजना जो बनाया गया था इस तरह से। तो ये पूरी महाभारत की कहानी जो है इसमें दिया हुआ है, उसका एक बुक चलता है। लेकिन अदर स्कूल में मैं देखता हूँ वहाँ कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दूसरे किसी क्लास में रामायण की भी बुक चलती है, मैं देख चुका हूँ, वो बुक अभी मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि ये सिर्फ शिशु मंदिर में ही चलता है, आपको कहीं भी दूसरे विद्यालय में नहीं मिलेगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार के चैप्टर्स शिशु मंदिर के बुक्स में हैं, वो किसी भी स्कूल के किसी भी विद्यालय के बुक्स में नहीं मिलेंगे। मैं शिशु मंदिर के अलावा और दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे उसके बुक में वो सब चीज़ें नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है जो शिशु मंदिर में होता है। सिर्फ और सिर्फ यही एक विद्यालय है, यही एक स्कूल है, जिसके बुक्स में हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारी भारतीय सभ्यता को ध्यान में रखते हुए वैसे चैप्टर ऐड किए गए हैं जो हमें अपने देश के कल्चर को सीखने में मदद करता है, बच्चों को अपने देश के कल्चर को सीखने में मदद करता है, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को यह जीवित रखी हुई है। सिर्फ यही एक स्कूल है। जो विद्यालय हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, उसको लुप्त होने से बचा रही है, क्या मैं ऐसे विद्यालय के वीडियो ना बनाऊं तो किसका बनाऊं? इसीलिए मैं इस विद्यालय का वीडियो बना रहा हूं। मैं समझता हूं शिशु मंदिर के बुक्स पे वीडियो बनाना देश हित की बात है। मैं अपने देश के लिए, ऐसा लगता है मुझे कि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूं, क्या यह गलत है? जो विद्यालय हमारे देश की सभ्यता संस्कृति परंपरा को बनाए रख रही है, उसको मैं जरूर मदद करूंगा। यही तो हमारे देश की पहचान है, यही हमारे देश की आन बान शान है, यही तो हमें दुनिया से अलग करती है, इसी ने तो हमारे देश को विश्व गुरु बनाया है, यही हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ है, रामायण महाभारत गीता वेद उपनिषद पुराण, क्या किसी देश में है? नहीं। जो विद्यालय इन चीजों की शिक्षा देती है, उसे मैं सही ना मानूं तो क्या मानूं? यही एक विद्यालय है जिसने मेरे दिल को छुआ, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। शिशु मंदिर पे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा रीजन यही है, और मैं इसे लगातार आगे बढ़ाता रहूंगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के एक अगले वीडियो में, एक नए मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।